टेडी टेडी स्टार्ट। खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य उचित चिकित्सा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भूली हुई विद्या पुनः अर्जित की जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह निरंतर गतिशील है। इसीलिए कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कहा गया है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, अर्थात फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई लाभ नहीं होता, वर्षा तो तब ही लाभप्रद हो सकती है जब वह आवश्यकता के समय हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं। इसी तरह समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचकर बहुत से छात्र कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय एवं तिथि पर ही होती है। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो परीक्षा हॉल में यूं ही खाली नहीं बैठना पड़ता। इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के बारे में एक विचार देखिए, एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया जिसमें एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। उसके माथे पर बहुत से बाल थे, पर सिर के पीछे की तरफ से वह एकदम गंजा था। चित्रकार का मानना था कि समय जब आता है तो आपकी ओर बाहें फैलाए आता है, और यदि आपने उसे सामने से आते हुए उसके बालों को पकड़ लिया तो वो आपके काबू में होगा, किंतु आपने उसे निकल जाने दिया तो फिर पीछे से आपके हाथ उसके गंजे सिर पर फिसलते रह जाएंगे, वह फिर आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए समय को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है, चाहे वह निर्धन हो या धनवान, राजा हो या रंक, मूर्ख हो या विद्वान, समय किसी के लिए अपनी गति मंद नहीं करता। इसलिए सबको जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ही पड़ता है। परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए समय रहते एवं परीक्षा से पहले तैयारी करना आवश्यक होता है। ब्रह्म